कानून को टोटली तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये मोदी की हिटलर शाही हम कह सकते हैं। 141 एमपीज को सस्पेंड करने का मतलब है कि डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली स्लॉटर कर दिया गया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जिबा कर देना। अगर डेमोक्रेसी जिबा हो गई है और अगर इसे अब भी बचाने की कोशिश नहीं की गई, तो इसके बाद नेक्स्ट स्लॉटर होने की बारी हिंदुस्तान के सिटीजन। अरे डेमोक्रेसी का कत्ल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. में जिस तरीके से जर्मनी में जो डेमोक्रेसी को खत्म किया गया था पहले हिटलर की जानिब से, हिटलर ने पहले पार्लियामेंट पे अटैक करवाया था, उसके बाद वहां पर हिटलर शाही जो डिक्टेटरशिप लागू किया गया, उसके बाद वहां पर हम देख सकते हैं जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो प्रेसिडेंशियल पावर्स को पूरे हिटलर ने अपने अंडर लेकर, एज ए चांसलर अपने अंडर लेकर उसने वहां पर एक जर्मनी में जहाँ डेमोक्रेसी थी उस डेमोक्रेसी को खत्म कर डिक्टेटरशिप लागू किया था। और उस डिक्टेटरशिप को लागू करने से पहले उसने तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसा था। उसके बाद उसने सुपर एक क्या बोलते हैं सुप्रीम लीडर बनकर जर्मनी में उभर कर आया। आज हम देख सकते हैं कि जो 8-10 दिन पहले जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर इतनी टाइट सिक्योरिटी रहने के बाद जहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतने दावे किए गए मोदी के जानिब से पार्लियामेंट में, अमित शाह के जानिब से इतने सारे जो दावे हैं, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है पार्लियामेंट का, लेकिन आज नई बिल्डिंग पर अटैक होता है। अगर उस पर सवाल होता है, उस सवाल को छिपाने के लिए, उन साजिशों को छुपाने के लिए एक 141 एमपीस को सस्पेंड किया जाता है। ये डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काला दिन हम इसको मानते हैं, और ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात है। 141 जो सस्पेंशन हुए हैं एमपीस का, ये बहुत ही गलत हुआ है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर है, हम इसको मानना है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो लगातार जिस तरीके से कानून लाए जा रहे हैं, इतना स्पीड पूछिए मत, बहुत ज्यादा स्पीड के तहत कानून बनाए जा रहे हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, कानून को टोटली तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये मोदी की हिटलर शाही हम कह सकते हैं। आज SDPI गुलबर्गा शहर में ये प्रोटेस्ट कर ये कह रही है कि 141 MPs को जो सस्पेंड किया गया है वो इमीडिएटली रिवोक करना है, और रिवोक कर डेमोक्रेसी को फिर से बहाल करना है पार्लियामेंट के अंदर। इस तरीके से पार्लियामेंट नहीं चलेगी। अगर 70% से ज्यादा अपोजिशन लीडर्स को अगर सस्पेंड किया गया है, आज पार्लियामेंट के अंदर चर्चा किया जा रहा है जो भारतीय जो संविधान का जो ये है, आज बहुत सारे क्रिमिनल जो रोल्स हैं वो आज पास किए गए हैं। 3 ऐसे क्रिमिनल लॉज जो आज पार्लियामेंट में चर्चा किए गए, लेकिन अपोजिशन में बात करने वाला कोई नहीं था। तो गुलबर्गा में SDPI की जानिब से जो प्रोटेस्ट रखा गया था, क्योंकि हमारे नेशनल की लीडरशिप और स्टेट की लीडरशिप ये महसूस करी कि ये दिन जो चल रहे हैं इंडिया में, ये काले दिन है, मतलब काला कानून काले दिन जो बोलते हैं उस तरीके की एक हवा चली भी है। क्योंकि आज 141 मेंबर्स को बाहर रख कर ये जो सरकार चलाने का इन्हों काम कर रहे हैं, ये लोग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर समझना है
ये आपको बाहर रखकर चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको बाहर रखकर चलाकर एक आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे हालातों में चेंजेस करना है तो हम कैसा करना है, उसका एक एक्सपेरिमेंट ये है। तो ये तमाम पार्टीज के लीडर ये चीज़ को समझना है कि इनो ये जो सस्पेंशन करना, बाहर भेजना और उनके बगैर पार्लियामेंट चलाना और उसके अंदर कानून पास करा लेना, तो आने वाले दिनों में समझ जाना है कि ये आने वाले हालात ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। क्योंकि ये बड़े बड़े वादे कर राष्ट्र 10 साल से सरकार चला रहे हैं, इनके सरकार और इनके वादे इनके बातें पूरे खोखले हो रहे हैं। क्योंकि जो पुराना पार्लियामेंट था उसके ऊपर एक टाइम पे हमला हुआ तो अंदर नहीं जा सके थे, आज का पार्लियामेंट कैसा होना चाहिए, पूरा एमपीज के बीच में उतर गए वो लोग। तो क्या इनकी सिक्योरिटी है, कौन सा ऐसा प्रीम मिनिस्टर और कौन ऐसा होम मिनिस्टर है जो ऐसे वादे करते हैं लेकिन पूरे खोखले रहते हैं, इनकी कोई बात में दम नहीं रहती, लेकिन टारगेट कर काम करना भी नहीं छोड़ते। जो इनके खिलाफ बोलेगा वो इनके खिलाफ कितना कोशिश कर सकते हो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यकीन है ये आवाज उठाने वालों को ये बीजेपी सरकार, ये मोदी अमित शाह कितना भी कोशिश करे इन्हों कभी जीत नहीं सकेंगे। आने वाले दिनों में फिर से डेमोक्रेसी आएगी, ये बीजेपी सरकार इस बार जाएगी, पूरे तमाम पार्टीज मिलकर ये आने वाले दिनों में इसका एहतजाज करना है और अपनी सरकार कैसा बनाना उसका प्लान करना है। वो आने वाले दिनों में जरूरत पड़ रही तो एसडीपीआई इंशाल्लाह गुलबर्गे में उनके साथ रहेगी। मैं ये बात कहना जरूरी समझूंगा कि ये मुल्क डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही चलेगा, वही सेटअप में चलेगा, ये डिक्टेटरशाही के मुल्क नहीं है। किसी भी जमाने में ये मुल्क आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे या बिफोर इंडिपेंडेंस देखेंगे, हमने अंग्रेजों को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया। भले ही दो सदी हमारे साथ निकल गई, हम जद्दोजहद करते रहे, हम अपना खून देते रहे और इस मुल्क को फिर वापस जिंदा करने में हम कामयाब हुए। तो हम इस बात से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में, जिनको 141 एमपीस को उनको जो है सस्पेंड किया गया है, वो एक मुकम्मल एक डिक्टेटर शाही की तरफ ले जाने के लिए सस्पेंड किया गया है। हम उसको कंडेम करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि उसको जो है ना सस्पेंशन को रियोक किया जाए। के 141 जिसमें से 96 लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि जनता उन्हें चुनकर बिठाती है ताकि वो जनता के लिए और मुल्क के लिए कानून साजी करें और फिर उसके बाद जनता जो है वो मुल्क में किस तरह जिंदा रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या पहनेगी, ये क्या कहते हैं कि आगे गाड़ी चलेगी। उसके बाद इसमें से 45 के करीब राज्यसभा यानी अपर हाउस के मेंबर्स हैं, ये सारे एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया ये कह के कि ये लोग शोर मचा रहे थे या जो कार्यवाही होती है पार्लियामेंट की उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। अभी आप एक बात देखिए कि पार्लियामेंट जो है वो मेन इंजन है, मेन मशीनरी है जहां से पूरी कंट्री गवर्न होती है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है, अभी सवाल है दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का, इनको गवर्न करती है पार्लियामेंट में बैठने वाली रिप्रेजेंटेशन। उसमें से 141 को अगर बाहर कर दिया जाए तो इसका मतलब है अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट या जिसे कहते हैं कि डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपनी जगह ले रही है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2014 से तकरीबन डेमोक्रेसी को पैरालाइज किया गया और आज 141 को बाहर करने का मतलब है कि डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली स्लॉटर कर दिया गया, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़िबा कर देना। अगर डेमोक्रेसी ज़िबा हो गई है और अगर इसे अब भी बचाने की कोशिश नहीं की गई तो इसके बाद नेक्स्ट स्लॉटर होने की बारी हिंदुस्तान के सिटीजंस की है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एमएसके मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल एट मुस्लिम चौक मिजगोरी, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई बीएससी डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स यदुला कॉलोनी एंड अल शरई पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। एडमिशन आर ओपन, कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स।